नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। खुशफहमी का कोई इलाज नहीं और ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं, झूठ बोलने पर भी कुछ खर्च नहीं होता, प्रोपेगेंडा के लिए भी तथ्य और गवाहों की कोई जरूरत नहीं होती, उसके बगैर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है और खुशफहमियों में रहा जा सकता है। सऊदी अरब और यूएई को लेकर अब पाकिस्तान में स्वर मुखर होने लगे हैं। खासतौर से यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहान ने दो दिन पूर्व पाकिस्तान की यात्रा में 20 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता देकर पाकिस्तान की एक और नबज दबा दी है। उसकी यह नबज है सीपैक। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान से साफ कहा है कि सीपैक के तहत विकसित किए जाने वाला गवादर पोर्ट सी पोर्ट बन सकता है, जिससे अमीरात की सुरक्षा मुश्किल में पड़ सकती है। अमीरात द्वारा सीपैक पर इस तरह चिंता जाहिर करना एक प्रकार से सीपैक की खिलाफत है। अब यह अलग विषय हो सकता है कि गवादर ऑयल पोर्ट बन पाएगा या अमीरात की बात सही साबित होगी, लेकिन इतना जरूर है कि आज फैसलाबाद में सीपैक को लेकर योजना पर बैठक थी और उससे पहले ही अमीरात के क्राउन प्रिंस पाकिस्तान दौरे पर आ धमके। इसका मतलब यह है कि अमेरिका किसी न किसी रूप में सीपैक को रोके रखे हुए है। अमेरिका के पाकिस्तान से रिश्ते खराब हैं, मगर अमीरात और सऊदी के माध्यम से वह पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। वैसे इमरान खान द्वारा प्रचार यही किया गया कि कश्मीर पर मुस्लिम देशों के सहयोग नहीं मिलने से पाकिस्तान नाराज चल रहा है, इसलिए यूए के क्राउन प्रिंस पाकिस्तान आए हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान कर्जदार मुल्क है। सऊदी अरब और यूएई उसे कर्ज देने वाले मुस्लिम देश है। यूं भी नाराजगी का हक कर्ज लेने वालों को नहीं होता, कर्ज देने वालों को हो सकता है। इसलिए पाकिस्तानी जनता की हालत सुनिए और सिर दुनिया से ज्यादा कुछ नहीं है। दरअसल सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के हित अमेरिका से जुड़े हैं, इसलिए जब भी पाकिस्तान सीपैक को लेकर आगे बढ़ता है अमीरात पाकिस्तान में आ धमकता है। यह कहना बिल्कुल सही है कि अमीरात को कश्मीर से कुछ भी लेना देना नहीं है, सारा मसला व्यापार का है और व्यापार के लिहाज से भारत एक बड़ा बाजार है। पर मामला यही खत्म नहीं होता, असली मुसीबत तो पाकिस्तान के सामने चीनी कर्ज को लेकर आ खड़ी हुई है। इस वर्ष से पाकिस्तान को चीनी कर्जों के सूद की अदायगी करनी है, इसमें सबसे ज्यादा सूद सीपैक के कर्जों का है। हालांकि सीपैक से अभी पाकिस्तान को ढेला तक नहीं मिला है, पर कर्ज का डंडा पीठ पर धड़ाधड़ बज रहा है। इस वर्ष पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर सूद के रूप में चीन को चुकाना है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि यूएई द्वारा पाकिस्तान के विकास के लिए दी गई रकम भी इतनी ही है, यानी पिछवाड़े से आया पिछवाड़े से निकला। लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा दबाए वाली हालत में फंसे पाकिस्तान के सामने इससे भी बड़ा एक और संकट है। कराची स्थित ऑप्टिमस कैपिटल मैनेजमेंट के हाफिज फैजान अहमद ने कहा है कि चीन से लिए गए कर्ज का दबाव लगातार बढ़ने से देश में डॉलर रिजर्व कम हो गया है, जिसके बाद कर्ज के बाद कर्ज लेकर पाकिस्तान इस दलदल में फंसता जा रहा है। वर्ष 2022 तक पाकिस्तान को चीन का 6 अरब 70 करोड़ डॉलर चुकाना है, लेकिन उसके हालात ऐसे हैं कि जनता को खाने के लाले पड़े हैं। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बुराजिन वागबन ने कहा है कि सीपैक पूरी तरह पाकिस्तान के खिलाफ गया है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान को सीपैक के तहत वर्ष 2017 तक 7 इकोनॉमिक जोन बनाकर तैयार करने थे, मगर यहां तो अभी तक घास भी साफ नहीं हुई है, जबकि लिया गया कर्ज मोटे सूद के कारण बेल की तरह बढ़ता जा रहा है। हालांकि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने 2022 के लिए पाकिस्तान को नए बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी है, लेकिन दिक्कत यह है कि उससे इमरान देश चलाएंगे या फिर चीन का कर्ज चुकता करेंगे। हालत यह है कि इमरान की तब्दीली तबेलों में तब्दील हो गई है। इमरान खान के एक साल के कार्यकाल में पाक की इतनी दुर्गति हो चुकी है जितनी कभी नहीं हुई। इमरान की मदरसा नीतियों ने पाकिस्तान को आर्थिक कंगाली के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इमरान ने एक साल के भीतर 7,509 अरब पाकिस्तानी रुपए का कर्ज लिया है। अगस्त 2018 से अगस्त 2019 के बीच विदेश से 2804 अरब रुपए का और घरेलू स्रोतों से 4705 अरब रुपए का कर्ज लिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान पर 32,240 अरब रुपए का कर्ज हो चुका है।
जबकि पाकिस्तान का कर संग्रह देखा जाए तो एक तिमाही में 960 अरब रुपए से ज्यादा नहीं है, यानी एक साल में लिए गए 7500 अरब रुपए के मुकाबले सालाना आमदनी 3800 अरब रुपए यानी आधी है। ऐसे में इमरान के सामने सीपैक की बजाय देश को बचाने के लिए अधिक कवायद करनी पड़ रही है। यूएई और सऊदी अरब के सामने ज्यादा हाथ फैलाए जा रहे हैं, जबकि चीन पर अधिक आश्रित होने से बचा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि चीन से कर्ज आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसका ब्याज 8% से ऊपर होने की वजह से चीनी कर्ज 3 साल के भीतर ही दोगुना हो जाता है, जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। यूएई के क्राउन प्रिंस से मिले 20 करोड़ डॉलर भी अब सीधे चीन के सूद खाते में ट्रांसफर होने हैं। कहा यह भी गया है कि यूएई और सऊदी ने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया है कि अगर मदद की दरकार है तो सीपैक और कश्मीर की तरफ से आंखें बंद करनी होगी। अप्रैल 2020 में इस्लामाबाद में होने वाली इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक के एजेंडे से भी कश्मीर मुद्दे को निकाल दिया गया है, यानी जब भिखारी के कटोरे फूट चुके होते हैं तब उसमें कितने भी सिक्के डालो जमीन पर ही गिरते हैं, भिखारी जरूर स्वीकृति में गर्दन हिलाता रहता है। कुछ ऐसी हालत पाकिस्तान की है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।